नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माता जो है अष्टमी के दिन या नौमी तिथि के दिन, या मतलब नौमी को हम माता की जब जो बोलते हैं ना, हवन करते हैं और उनकी विदाई करते हैं, तो ऐसा नियम है कि कभी भी बहन बेटी अगर घर आती है तो उसको बिना उसका जो आंचल खोइछा बिना भरे विदाई नहीं करनी चाहिए, या वो बहू अपने मायके जाए, क्योंकि मैं खोइछा के लिए वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो कभी भी बेटी आपके घर आती है या बहू जो है अपने ससुराल से मायके जाती है, तो कभी भी जो बोलते हैं ना, आंचल को उड़ते हुए नहीं जाने देनी चाहिए, वो शुभ नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार से दुर्गा माता भी हमारे घर में आई हुई हैं, तो उनको ना, जैसे माँ को हमें उनको उनका आंचल उड़ते हमें नहीं जाने देनी है। उनको सुहाग की चीज़ें तो हम चढ़ाएंगे ही, मैं बता चुकी हूँ, वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन खोइछा में अष्टमी के दिन भी आप खोइछा डाल सकते हैं, आप नौमी के दिन भी जरूर खोइछा डालिए, तब माता का मतलब विसर्जन कीजिए, कलश हिलाइए या माता को जाने की अनुमति दीजिए, लेकिन बिना खोइछा दिए आप जो है विसर्जन मत कीजिएगा। एक चीज़ और बता देती हूँ कि आप लोग पूछते हैं कि दीदी आरती पहले करें कि हवन पहले करें, तो देखिए पहले हवन किया जाता है उसके बाद हम आरती करते हैं। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि खोइछा किन चीज़ों की हमें माता को डालनी चाहिए और खोइछा डालने का नियम क्या है। ऐसे तो मैं खोइछा के लिए वीडियो बना चुकी हूँ, इस खोइछा को हम माता रानी को ही नहीं इस प्रकार से डालेंगे, इस प्रकार से आप अपनी बहन बेटी को भी बिना खोइछा दिए कभी अपने घर से जाने मत दीजिएगा। खोइछा उन्हें दे कर ही विदाई कीजिए, जिससे ऐसा माना जाता है ना कि लड़कियां अपने ससुराल में ना सुखी संपन्न रहती हैं, तो इसलिए कभी भी उनको बिना खोइछा का मत जाने दीजिए। या बहू भी अपने मायके जा रही है तो उनको भी खोइछा देकर ही विदा करनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि खोइछा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो देखिए, पहली बार अगर लड़की जो है, या माता के लिए भी मैं बता देती हूँ, अगर लड़की जाती है तो हम जीरा का, ये जीरा आप लोग को पता है ना, जो मसाला है जीरा, हम तड़का लगाते हैं, जीरा का खोइछा पहली बार अगर लड़की जो जो शादी करके जाती है तो आपको जीरा का खोइछा देकर ही उसको विदा करनी चाहिए। आप माता रानी को भी अगर आपको श्रद्धा है तो जीरा का खोइछा देना बहुत अधिक शुभ होता है। और अगर तो हमेशा तो नहीं देते, लेकिन मान लीजिए 1 महीने पे आए, 2 महीने पे भी आए, जब भी आए, तो चावल का खोइछा, जीरा पहली बार दिया जाता है और चावल का खोइछा हम माता रानी को ठीक उसी प्रकार से डालेंगे जैसे कि हम अपने घर में बहन बेटी और बहू को डालते हैं। तो वो कैसे डालनी है, तो उसके लिए देखिए मैं चावल ले ली हूँ, यहाँ मुद्रा कुछ चाहिए, 51, 21, 11, 101, 501, यहाँ सोना चांदी भी पहली बार में दिया जाता है। तो माता रानी के लिए आप कुछ भी ले लीजिए, जितना पैसा आपको देना है खोइछा में। एक सिंदूर चाहिए, सिंदूर बिंदी तो एकदम मस्ट है, सुहाग की चीज़ें जरूर खोइछा में दीजिए। ये है हल्दी, तो देखिए मेरे पास ना वो गांठ वाली हल्दी नहीं थी अभी, तो मैं आपको बस दिखाने के लिए, थोड़ा आइडिया के लिए मैं बता दे रही हूँ, ये पाउडर वाली हल्दी मैं ली हूँ, तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर डाल सकती हैं, तो थोड़ा दिखाने के लिए ली हूँ। ये जीरा हो गया, तो जीरा का डालना है तब जीरा डालेंगे, नहीं तो इन सभी चीज़ों के साथ जीरा नहीं डालेंगे। और इसकी जगह पे मैं ऐसे आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देने के लिए, ये मेरे पास तुलसी पत्ता था सूखा, तो थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं आपको रखी हूँ, लेकिन इस जगह पर आपको दूर्वा लेनी है, दूव लेनी है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, तो वो खोइछा डालनी कैसे है उसकी विधि भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो ये चावल तो मैं ले ली, तो देखिए या तो आप इसमें ना चावल डालकर थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको मिक्स कर लीजिए, या आप ऐसे सूखा भी कपड़ा वगैरह में हैंग मतलब साड़ी वगैरह में ना लगे तो आप ऐसे मिला लीजिए, ठीक है। अगर गांठ वाली हल्दी है तो आप ना उसको मिलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ऐसी वाली हल्दी है तो सफ़ेद चीज़ जो है आपको मालूम है ना शुभ नहीं होता, किसी भी चीज़ में धोती हो, जो बनियान हो, शादी विवाह में आप देखते हैं ना हल्दी से हम पहले रंग से उसको कलर करते हैं, ठीक उसी प्रकार से चावल में भी हमें हल्दी डाल लेनी है, पूरी मतलब पीला हो जाए
थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा ना, तो अच्छे से ये और सुंदर कलर आएगा। लेकिन मान लीजिए कि कपड़ा वगैरह में लोगों के लग जाते हैं तो ड्राई ही लोग मिला लेते हैं, तो आप यहाँ पे ग्रीन दुर्वा ले लीजिएगा। ये तो मैं थोड़ा सा सिखा मतलब दिखाने के लिए आपको बताई हूँ, थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा। और ऐसे हमारा मिक्स हो गया चावल, या पहले से ही रंग के आप चावल को रख लीजिए, ठीक है। तो देखिए डालनी कैसे है कि माता को डालिए आप, या अपनी बेटी को डालिए, या बहू को, किसी को भी ना, कैसे डालनी है कि देखिए, या तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन दोनों हाथ से आप चाहें तो देखिए कैसे डालनी है। 5 बार डालनी है, 1 बार, ये हो गया आपका 2 बार, ठीक है, और ये हो गया 3री बार, ऐसे डालनी है। दोनों हाथ से भी डाल सकते हैं, चाहें तो एक हाथ से भी डाल सकते हैं, लेकिन दोनों से ज़्यादा मतलब शुभ होता है। ये हो गया 4 बार, ठीक है, और ये हो गया हमारा 5वीं बार। तो 5वीं बार जब डाल दिए, तो ऐसा आपको नहीं करनी है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वो क्या है कि ऐसा जैसे मैं, देख लीजिए, ये बिंदी भी दे दी, ये सिंदूर भी डाल दी, ठीक है, और ये पैसा भी, खोइचा मतलब खोइचा में बिना मुद्रा दिए कभी विदा मत कीजिएगा। तो ये मैं खोइचा भी रख दी, और मान लीजिए ये दुर्वा भी रख दी। आप ग्रीन ले लीजिएगा, हरा वाला, ये मेरे पास अभी नहीं था, तो मैं बस दिखाने के लिए। और ऐसा नहीं करनी है कि ये चावल को पकड़ के और खोइचा में पूरा डाल दें। देखिए समझा दे रही हूँ आपको, इससे माना जाता है ना कि आपके घर की जो मायके हैं उनके घर की सुख समृद्धि चली जाती है। तो आप दुर्गा जी को भी दीजिएगा, माता रानी को भी, अष्टमी या नवमी के दिन, नवमी के दिन ही खोइचा दिया जाता है। आप चाहे तो अष्टमी को भी खोइचा भर सकती हैं। बिना खोइचा दिए माता रानी को अपने घर से विदा मत कीजिए। तो आप इस प्रकार से ना, ये टोटल चावल को इसमें नहीं डालिएगा। क्या कीजिएगा, ये जो चावल बच गया ना, इसको तो रखनी ही है अपनी बेटी को। मान लीजिए ये आंचल है, तो माता रानी के आंचल में आप कैसे भरिएगा, ऐसे पीला एक कपड़ा ले लीजिएगा, या लाल कपड़ा ले लीजिएगा, इसीलिए मैं ये पीला कपड़ा रख कर दिखाई हूँ। या और भी कोई कलर का, मतलब आपके पास किसी भी कलर का कपड़ा हो, कलरफुल लीजिएगा, काला और सफ़ेद मत लीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। तो इसमें जैसे आपने भर दिया माता रानी के लिए खोइचा, तो उसमें से, या अपनी बेटी को मान लीजिए आपने आंचल में डाल दिया, तो देने के बाद ना उसमें से 2 बार ऐसे निकाल लेते हैं, खोइचा का सही विधि जान लीजिए, तो ऐसे ना निकाल लेते हैं, क्योंकि डाल के उसमें से 2 बार आपको तो निकाल ही लेनी है। और ये पूरी थाली को ऐसे करके पलटनी नहीं है, ऐसे करके पलटनी नहीं है, नहीं तो आपका घर जो है, आपके घर की सुख समृद्धि और लक्ष्मी जो है, एक तो बेटी और माँ दुर्गा ऐसे ही लक्ष्मी स्वरूप हैं, और वो माता रानी अगर चली जाएंगी, आप उसी प्रकार से पूरा डाल दीजिएगा, तो आपके घर की भी सुख समृद्धि साथ में ही लक्ष्मी जी के चली जाती है। तो इसलिए आप लोगों को समझ में थोड़ा सा आ रहा होगा कि आपको ऐसे डालनी है खोइचा, और 2 बार इसमें से निकाल लेनी है। तो आपके समझ में अब तो मुझे लग रहा है पूरी बात आ गई होगी कि माता रानी को खोइचा में क्या देना है, और खोइचा डालने की सही विधि क्या है। तो मैं संपूर्ण विधि आपको बता दी। आप कल अष्टमी को भी, अष्टमी कब पड़ा है वो भी बता दे रही हूँ, 13 अक्टूबर को अष्टमी तिथि है, दिन है बुधवार, और नवमी को भी ये कार्य आपने घर में, मतलब पूरा पूजा समापन होने से पहले माता रानी का खोइचा आप जरूर भर दीजिएगा। किसी भी कलरफुल आपके पास कपड़ा होगा, घर में पड़े रहते हैं, ब्लाउज पीस हो, और भी साड़ी के पीस मतलब रहते हैं हमारे पास, तो अगर है आपके पास तो ज़रूर खोइचा माता रानी का भर के ही विदा कीजिएगा कि हे माँ, अच्छे से हमारे घर में, मतलब आपने अच्छे से माता की पूजा हमने 9 दिन की, और अच्छे से आप शुभ शुभ हमारे घर से जाइए, और हमारे घर में भी पीछे से सुख समृद्धि देकर जाइए, और हम निरोग रहें, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो इस प्रकार का हमें आशीर्वाद देकर जाइए। तो इसी प्रकार से खोइचा हमें देनी है, जो कि मैं पूरा अच्छे से आपको बता दी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि अब पूरी बातें आप लोगों को खोइचा के बारे में, या वो बेटी से संबंधित हो या माता रानी के लिए हो, आप इसी प्रकार से खोइचा डालिएगा, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और प्रेम से बोलिए जय माता दी। और आप सभी को अष्टमी तिथि की ढेर सारी शुभकामनाएं।